हम डिस्कस करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पर देखो सवाल में क्या लिखा है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस ए मैन गेन 10%, ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल एट डबल द प्राइस गेन परसेंट कितना होगा। तो मैं आपको शॉर्टकट में सवाल को समझाता हूँ। देखो कि एक आर्टिकल है, ठीक है, उसको बेचा जा रहा है, ठीक है, ऑन ए सेलिंग, यहाँ पर ऑन सेलिंग एक आर्टिकल को जब बेचा जा रहा है तो एट ए सर्टेन प्राइस, पता नहीं हमें प्राइस कितना है, कुछ सर्टेन प्राइस में उसको कुछ प्राइस में बेचा जा रहा है, ठीक है, एक आर्टिकल है उसको कुछ, उसका दाम कितना है हमें नहीं पता, ठीक है, उसको कुछ मतलब उस प्राइस में उसको बेचा जा रहा है, ठीक है, तो एक आदमी को क्या होता है 10% का लॉस हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ को अपने ऊपर लेके सोचो कि एक आर्टिकल को आप बेच रहे हो, ठीक है, एक आर्टिकल का प्राइस आपको नहीं पता, बट जैसे ही आप आपने उसको बेचा तो आपको 10% गेन हो गया। तो आपको आर्टिकल का प्राइस आपको नहीं पता, तो आप मान लो आर्टिकल का प्राइस कितना है, लेट द सीपी ऑफ एन आर्टिकल, लेट द सीपी ऑफ एन आर्टिकल, आप मान के चलो आपके पास जो आर्टिकल है उसका प्राइस कितना है एक्स है, ठीक है, आप मान के चलो आपके पास जो आर्टिकल है उसका प्राइस कितना है एक्स है। अब आप उस आर्टिकल को जिसका प्राइस एक्स है आपने उसको बेचा, 10% गेन में बेचा, ठीक है, आपको गेन हुआ, गेन 10% हुआ, तो आपने उस चीज़ को कितने में बेचा, आपने कितने में खरीदा था आपको नहीं पता, ठीक है, आपने उस आर्टिकल को सपोज ₹100 में आपने खरीदा था, मतलब आपने खरीद कर लाया सीपी, उस आर्टिकल को आपने ₹100 में खरीदा, तो आपने उस आर्टिकल को फिर बेच दिया, जैसे ही बेचा आपको 10% का गेन हो गया, तो आपने कितने रुपए में उस आर्टिकल को बेचा, एसपी हम निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है बच्चों, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, कितना है प्रॉफिट परसेंट है हमारा 10 बाय 100 इंटू सीपी, सीपी कितना हमने माना है एक्स माना है, इसको सॉल्व करोगे 110 बाय 100 इंटू एक्स, ये 0 0 कैंसिल, तो आंसर आपका हो गया 11x/10, 11x/10 हमारा क्या निकला एसपी। तो हमने उस आर्टिकल को ₹100 में खरीदा था, उसको हमने 11x/10 में बेचा, तो हम लोग को 10% का क्या हुआ गेन हुआ। अब यहाँ पर सवाल बोल रहा है ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल, उसी आर्टिकल को फिर क्या बोल रहा है डबल द प्राइस, उसको प्राइस को डबल करके, आपने तो आर्टिकल को बेच दिया, ठीक है, तो जब आपने बेचा 11x/10 में तो आपको 10% गेन हुआ। अब फिर भी बोला अगर उसी आर्टिकल को अगर उसका हम डबल करके उसका अगर डबल में बेचते हैं, उसका सेलिंग प्राइस को अगर डबल करते हैं, तो यहाँ पर डबल द प्राइस जो बोल रहा है आपको यहाँ पर समझना है किसको डबल कर रहा है, जो वो खरीद चुका है उसको तो डबल कर नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी वो ₹100 में खरीद चुका है, अब आप किसे सामान खरीद के ला चुके हो तो आपके हाथ में उसको डबल करने, आप उसको बेच रहे हो, तब किसको आप डबल कर सकते हो, जो आपने खरीदा है खरीद के ला दिया है, अब जो आप बेच रहे हो आप, अब आपका मर्जी कि आप उसको कितने में बेच रहे हो, उसको डबल करके बेच रहे हो, ठीक है, आप जो जितने रुपए में खरीद कर लाया हो उसको तो डबल अप नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक बार आपने कोई चीज़ खरीद लिया मतलब खरीद लिया, ठीक है, उसको तो फिर आप डबल रेट में नहीं तो खरीदोगे ना, डबल रेट आपने किसी से एक सामान सपोज खरीद कर लाया, सपोज किसी से आप पेन 10 रुपये में खरीद कर लाओ, समझो चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझो, सपोज आपने किसी से पेन 10 रुपये में खरीद कर लाया, ठीक है, खरीद कर लाने के बाद आप उस पेन को आपकी मर्जी कि आप उसको पहले आप उसको पेन को 20 रुपये में बेचें तो आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, अब आपकी मर्जी आप उसको अब 10 10 10 रुपये में 20 रुपीज़ में ना बेच के आप उसको 30 रुपीज़ में बेच रहे हो, ठीक है, आपने 10 रुपये के पेन खरीद कर लाया, आपने उसको 10 20 रुपये में बेचा, तब को 10% प्रॉफिट हुआ, 10 10 रुपये परसेंट नहीं 10 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, अब आपकी मर्जी आप उसको 20 रुपये में बेच रहे हो, अब आपकी मर्जी मैं और थोड़ा पैसा कमाना चाहता हूँ, तो आपने उसको 30 रुपये में बेचा, ठीक है, आप उसको 30 रुपये में आपने उसको बेचा तो आपको 20 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, तो खरीद बट आप 10 रुपये में जो पेन खरीद कर लाए हो तो आप इसको जो प्राइस को आप डबल जब कर रहे हो तब एसपी को डबल कर रहे हो ना, आपको जो पहले सेल कर रहे थे 20 रुपये में अब आप सेल कर रहे हो 30 रुपये में, ये पीछे डबल करना चाहते हो तो आप उसको खरीद रहे हो सपोज 40 रुपीज़ में उसको बेचना चाहते हो उसको, समझो इस चीज़ को कि आपने जितने में खरीदा आपने आप जो डबल करते हो, या बोल रहे ही ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल एट डबल द प्राइस, अब उसको सेल करना है तो प्राइस को डबल करना है, तो पहले बेच रहा था 11x/10 में बेच रहा था, अब उसको कितने में बेचेगा उसको डबल करना है, तो हमें एसपी को यहाँ पर डबल करना है, हमें सीपी डबल नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी सीपी ₹1 में उस चीज़ को खरीद के ऑलरेडी आपने उस खरीद के ला दिया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एसपी को डबल कर सकते हो, आपके हाथ में एसपी है, आप जो डबल करना चाहते हो, ठीक है, तब एसपी को डबल कर सकते हो, पहले आप 11x/10 में बेच रहे थे, अब इसका डबल रेट में बेचना चाहते हो, आप और प्रॉफिट कमाना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई 2 करने से कितना हो गया 22x/10 हो गया, इसको आप लोएस्ट टर्म करो तो ये हो जाए, आप चाहते थे यहाँ पर भी लोएस्ट टर्म कर सकते थे, 11 हो गया, ये 2 हो गया 5, तो 11x/5 हो गया हमारा, तो अब इसको इतने रेट में बेच रहे हैं, एसपी हमारा इतना हो गया, ठीक है, अगर एसपी इतने में बेचेगा 11x/5 में बेचेगा तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, ये सवाल पूछ रहा है, तो हमें सीपी वही सीपी तो हम चेंज नहीं कर सकते, हमने 100 रुपये में खरीदा था हमने, ठीक है, तो सीपी 100 हो गया, एसपी इतना हो गया, आप इसको गेन निकालो, गेन कितना हो गया हमारा, गेन का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी, तो एसपी कितना है 11x/5 माइनस सीपी कितना है एक्स है हमारा,
यहाँ पे एलसीएम ले, एलसीएम हो गया 5, ये हो गया आपका 11x बाय 5x, जिसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6x बाय 5, ये हो गया हमारा गेन। तो हमें गेन परसेंटेज पूछा है सवाल में, तो यहाँ पे देखो गेन परसेंटेज कैसे निकलेगा, गेन बाय सीपी इंटू 100, गेन हो गया 6x बाय 5, गेन बाय सीपी, सीपी कितना है हमारा, सीपी हमने एक्स ही लिया है इंटू 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकलेगा 6x बाय 5 इंटू 1 बाय एक्स इंटू 100। ये एक्स एक्स देखो कैंसिल हो गया, ये कटा कितना 20 से, 20 इंटू 6 कितना होता है 120, तो 120 परसेंटेज आपको गेन परसेंट निकला यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पर सवाल क्या है, बनाना आर बॉट फॉर ₹3 for 2, मतलब यहाँ पर बोले 3 बनाना का प्राइस क्या 2 रुपया, उसको फिर बेचा गया है 2 रुपये, 2 बनाना को 3 रुपये करके बेचा गया। तो पहले आप एक का निकाल दो, बहुत इजी सवाल है, देखो कैसे करना है इसको। बनाना आर बॉट फॉर ₹3, 3 बनाना आप 2 रुपये में लाते हो, ठीक है। तो पैसे लिखो, कॉस्ट ऑफ 3 बनाना कितना है ₹2 में है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ, तो 1 बनाना कितना हो जाएगा, पहले 1 बनाना का निकाल दो, कॉस्ट ऑफ 1 बनाना कितना हो जाएगा ₹2 by 3, ठीक है। अच्छा ये हो गया सीपी कॉस्ट, अब एसपी निकालेंगे, एसपी कितने में बेच रहा है, एसपी ऑफ 2 बनाना को 3 रुपये में बेच रहा है, एसपी ऑफ 2 बनाना, एसपी ऑफ 2 बनाना कितना है ₹3, ये रुपीज़ का सिंबल है। तो एसपी ऑफ 1 बनाना कितना होगा, एसपी ऑफ 1 बनाना कितना होगा ₹3 divided by 2, तो ये 1 निकला, ये 1 1 क्वांटिटी का है, तो 1 क्वांटिटी को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना कितना है ₹2 by 3, या जो एसपी ऑफ 1 बनाना कितना है ₹3 by 2, तो मुझे पता है 2 by 3 और 3 by 2 में कौन सा बड़ा है। यहाँ पर हमारा एसपी कितना, सीपी हमेशा वन सेम क्वांटिटी का ही प्राइस को कंपेयर करना है, तो हमें यहाँ पर कंपेयर करना है ₹2 by 3, और यहाँ पर हम साइड में लिखूंगा यहाँ पर ₹3 by 2। तो मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ, ये है हमारा 2 by 3 क्या था मेरा सीपी, तो यहाँ हेडिंग दो सीपी, ये सीपी है आपका, ये है एसपी, तो कौन बड़ा है इसमें, एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है मुझे बताओ, या 4 निकलेगा या ना, तो यहाँ पर एसपी बड़ा है, ठीक है। हमें गेन परसेंट पूछा, मतलब एसपी ही बड़ा होगा, तो एसपी बड़ा है, तो एसपी जब बड़ा है सीपी से, ठीक है, एसपी जब बड़ा है सीपी से, तो यहाँ पर हमारा गेन होता है, जब हमें पता चल गया गेन हो रहा है, ठीक है, तो गेन परसेंट हमें निकालना है। तो पहले गेन निकालो, गेन हुआ कितना, गेन कितना हुआ, गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है 3 by 2, 3 by 2 माइनस 2 by 3, अब इसको माइनस करो गेन निकलेगा, एलसीएम कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 6 3 9 माइनस, ये कितना हो गया 4, तो आंसर हो गया आपका 5 by 6 हो गया आपका गेन। तो मैं गेन परसेंट पूछा है, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, गेन परसेंट का फॉर्मूला है गेन बाय सीपी, ये होगा 5 by 6 आपका गेन बाय सीपी कितना है हमारा, सीपी हमारा है 2 by 3, 2 by 3 इंटू 100, गेन परसेंट यहाँ पर निकल जाएगा। इसको सॉल्व करो, 5 by 6 इंटू, ये हो गया 3 by 2 इंटू 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो, ये 3 1 जा, ये हो गया आपका 3 2 जा, तो ये देखो ये 4, दोनों 4 से कट गए, हो गया 25, 25 × 5 कितना हो गया 125% हो गया, ये 5 है, 125% सॉल्व करोगे 125% निकलेगा, ओके ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यहाँ